जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो भी परीक्षा होने वाली है। आप लोगों ने तो फॉर्म भरी लिया होगा। अगर यदि भरे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट जो है आपका जीके के लिए, ठीक है। यानी कि जीके का प्रैक्टिस सेट, टोटल 25 प्रश्न आप इस वीडियो में देखेंगे और सारे प्रश्न आपका जो है ऑब्जेक्टिव है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। अगर यदि आप यहाँ पे किसी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जो है कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है पॉलिटी से, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है। जो नीति आयोग है, पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब नीति आयोग इसका नाम बदल करके हो गया है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे मान के चलिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ही हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या दो में आपको पूछ रहा है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है। सबसे खराब वायु प्रदूषण यानी कि सबसे अधिक जो वायु का प्रदूषण होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इससे जो है सबसे अधिक जो है एयर पॉल्यूशन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए जो है सबसे अधिक आवश्यक होता है, तो ये होता है आपका कोशिका जल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिका जल जो है मृदा यानी कि मृदा जल ये है और ये पौधे के लिए जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी तरह से यहाँ पर चार नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो देखिए सही आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, समझ गए। राज्यसभा जो है भंग ना होने वाली जो है सभा है, ये संस्था है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर यदि आप दिमाग में दौड़ाइएगा, ऑप्शन पढ़िएगा, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो फिर भी हम लोग यहाँ पे राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। ऑप्शन बी में दिया है कि जब संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो फिर भी राज्यसभा भंग नहीं हो सकता। ऑप्शन तीन में है जब उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो फिर भी राज्यसभा भंग नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को यहाँ पे उच्च सदन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता है इसको? उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, राज्यसभा को। अगर यदि लोकसभा के बारे में पूछा जाए तो लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, ठीक है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन इसको कहा जाता है, लोकसभा को। राज्यसभा का यदि कार्यकाल पूछा जाता है तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है कि कोई सदस्य अगर यदि राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं तो 6 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है और लोकसभा में 5 वर्ष तक का राज्यपाल कार्यकाल होता है, समझ गए। तो ये आपको राज्यसभा से 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत का संबंध जो है, फिर से आयुष्मान भारत का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत का जो शुरुआत किया गया है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी कि लोगों का इसमें जो है 5 लाख तक का इलाज जो है बिल्कुल मुफ्त में होता है, ठीक है। 5 लाख तक का इलाज जो है बिल्कुल मुफ्त में होता है, लेकिन ये सरकारी के साथ साथ आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये जो है सरकारी के साथ साथ आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कि जो हॉस्पिटल जो अस्पताल जो है सूचीबद्ध अगर यदि यहाँ पर जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत किया गया होगा तो ही आप उसमें करा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, समझ गए। आयुष्मान भारत भारत के लिए जो है भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी बात है, क्योंकि लोग पहले जो है प्राइवेट अस्पताल में पैसों की वजह से इलाज नहीं करवा पाते थे, लेकिन भारत सरकार यहाँ पे और राज्य सरकार के सहयोग से होता है 5 लाख तक का खर्च आप कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है मैन कैम्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिटलर के द्वारा जो है मैन कैम्फ नामक पुस्तक जो है लिखा गया है। हिटलर के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग यहाँ पे हिटलर के बारे में तो पढ़े ही होंगे, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था हिटलर का दबदबा हर जगह था, लेकिन लास्ट में जितना दबदबा इसका था इसने क्या किया, लास्ट में आत्महत्या भी कर लिया था, समझ गए। सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही समाप्त होता है, जर्मनी इटली पोलैंड वगैरह सारे कुछ उस टाइम जो हुए थे, बहुत दबदबा था इसका, हिटलर का तानाशाह था।
सात नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है। कंप्यूटर से अगर यदि यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान रखते होंगे, नॉलेज रखते होंगे, तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। सही आंसर हालांकि हो जाएगा वर्म डिस्क, जो है ये ऑप्टिकल डिस्क कहलाता है। ठीक है, आठ नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। किताब का नाम है द वाइट टाइगर और इसको लिखा है अरविंद अडिगा के द्वारा ठीक है, इनका नाम क्या है अरविंद अडिगा, किताब का नाम क्या है द वाइट टाइगर, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था। प्रश्न क्या है, प्रार्थना समाज का गठन जो है किनके द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया था। तो संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान का प्रारूप जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया, स्वीकृत किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरिश संविधान से। ठीक है, प्रश्न एक बार और ध्यान से देख लीजिए, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, ठीक है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जो है ये कहाँ से लिया गया था, तो आयरिश संविधान से इसको लिया गया था। आपको पता है कि भारत का जो हमारा संविधान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि इतना बड़ा संविधान जो है किसी भी देश का नहीं है। और ये संविधान बनाने के लिए जो है अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे ले करके भारत का संविधान को बनाया गया था। समझ गए, तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बेझिझक आप जो है इंडिया मार दीजिएगा, भारत मार दीजिएगा। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था। बाजार नियम जो प्रस्तुत किया गया था वो JBC के द्वारा किया गया था। प्रश्न 12 का ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विज्ञान की दो भिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो करेक्ट आंसर होगा मैडम क्यूरी ने विज्ञान के दो अलग अलग क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। नोबेल पुरस्कार जो है बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, समझिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न में यहाँ पूछ रहा है आपको, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। और करेक्ट आंसर इसका होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, समझ गए, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, समझ गए। और ये इतने सरल व्यक्ति थे, इतने सभ्य व्यक्ति थे कि जब इनकी डेथ हुई थी, इनकी जब डेथ हुई तो उस टाइम जो है इनके रूम से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिले, ठीक है, दो जोड़ी कपड़े के आसपास मिले थे, खाने वाले बर्तन और चप्पल मिली थी। तो सोचिए कि इतने सादगी से जीने वाले व्यक्ति जो है मिसाइल मैन के, यानी कि भारतीय मिसाइल के जो है फादर कहे जाते हैं, और इतना आराम से सादगी से रहते थे। तो इसका सही आंसर जो होगा, मिसाइल प्रौद्योगिकी के पिता कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओजोन में क्या होता है, ठीक है, प्रश्न संख्या 15 और करेक्ट आंसर होगा केवल ऑक्सीजन। ओजोन जो है इसमें केवल और केवल ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, किस विधि द्वारा दो ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है। तो यहाँ पे दो ठोस के जो मिश्रण है इसको अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, देखिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान जो है पूरे भारत में चल रहा है और यहाँ पर जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है 0 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। कितने, 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपना शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पर आपको सुंदरबन डेल्टा जो है उसे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है। तो देखिए सुंदरबन के जंगल जो है इसको कहा जाता है मैंग्रोव वन, ठीक है, क्या कहा जाता है, मैंग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर को यहाँ पे जो है किसमें मापा जाता है। शोर मतलब हो गया ये आपका साउंड, ठीक है, साउंड को मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है, तो ये होता है डेसिबल। किसी भी साउंड को जैसे कि मान के लिए जेट का इंजन स्टार्ट हो रहा है तो वो कितना साउंड कर रहा है उसको किस में मापा जाएगा, डेसिबल में। अगर यदि कहीं आप बाजार गए हुए हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है
तो उसको वहाँ पे डेसिबल के माध्यम से मापा जाता है कि यहाँ पे शोर का यानी कि जो साउंड है वो कितना तक आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल किस में बदलता है, क्या करता है? तो सही आंसर होगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है प्रकाश विद्युत सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो मनुष्य के नेत्र यानी कि आँख के स्वस्थ संचालन के लिए जिस विटामिन का जो जरूरत होता है उस विटामिन का नाम है आपका विटामिन ए। ठीक है, अगर यदि लोगों में विटामिन ए की कमी हो जाए तो यहाँ पे अंधेपन का शिकार भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आँख की रोशनी के लिए जो सबसे अच्छा विटामिन का स्रोत होता है यानी कि विटामिन जो होता है वो विटामिन ए होता है, और विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कैरोटीन में यानी कि गाजर में, तो गाजर भी लेते रहना चाहिए लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय के कक्षों यानी कि जो चैम्बर्स है की संख्या कितनी है, यानी कि मानव हृदय जो है मानव का जो हार्ट है वो कितने भागों में बटे हुए हैं? तो ये बटा हुआ है टोटल चार भाग में। ठीक है, मानव हार्ट्स जो होता है चार भागों में विभक्त रहते हैं। अगला प्रश्न है सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? सर्वग्राही का मतलब हो गया जो सभी से लेता हो। ठीक है, यानी कि जो हर किसी यानी कि किसी भी ग्रुप के ब्लड को जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है, और ये आपका होता है ए बी। क्या होता है? ए बी जो है ब्लड ग्रुप ये सर्वग्राही होता है, यानी कि किसी भी ब्लड ग्रुप को आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं, ये सभी को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? ठीक है, तो खालसा पंथ की नींव जो है जिस सिख गुरु के द्वारा डाला गया था उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो खालसा पंथ की नींव डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये जो है बहुत ही बड़ा नारा है, और यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इनके पिता का नाम है। ठीक है, और यही जो जवाहरलाल नेहरू जो है बाद में जाकर के प्रथम भारत के क्या बने, प्रधानमंत्री बने, समझ गए? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए, लाल बहादुर शास्त्री भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक करिए, और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।